hakkımızın keskin tarafı olacak. Nerede? Demirbağ, yeti takip et. Kalenin içindeki gizli tünelleri ondan öğreneceğiz. Zayıf adamlarımı birbirine. Şimdi sana güzellikler. Ölmedik tek bir eser kalmayacak. Bu Olcay Toğan'ın kervanına saldıran haksız Türk. Ay maşallah. Ay maşallah. Bundan mı? Bu da senin kulağın ha. अरहान साहब को महल से निकलते हुए दिखाया जाता है। अलचिम आती है और कहती है, अरहान साहब जब तक वो लड़की महल में है हम लोग मुसीबत में रहेंगे, मैंने आपको बताया था। अरहान कहता है, तुमने क्या किया खातून, बताओ मुझे तुमने क्या किया। मैंने तुमको बताया भी था जिस तरह मैं तुम्हारी जमानत दे सकता हूँ, होलोफेरा की भी जमानत देता हूँ। अलचिम कहती है, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं उस होलोफेरा ने मेरी भाभी को जहर दिया है। मेरी भाभी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है अरहान साहब। अरहान कहता है, अलचिम खातून आपके इस हाल से तजावत करने पर इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैं आपका दुख जानता हूँ, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए कि मेरे सब्र की भी एक इंतहा है। अलचिम कहती है कि आपके महबूबा ने मेरी जान लेने की कोशिश की, आप फिर भी होलोफेरा को कुछ नहीं किया। और हान कहता है कि ये किसने किया है, मैं जल्द अज जल्द ये मालूम कर लूँगा, फिर आप होलोफेरा से माफ़ी मांगोगी। अलचिम कहती है, माफ़ी
इस खातून ने आप पर जादू किया होगा बस। मजनून खातून वहां पर आती हैं। मजनून कहती है होश में आओ, तुम दोनों महल के अंदर मौजूद हो। ओरहान जाओ और अपना फर्ज निभाना शुरू करो। ओरहान कहता है अम्मा होलोफेरा इसके पीछे नहीं है, आपको बिल्कुल दुरुस्त फैसला करना होगा। मजनून कहती है आपको सिर्फ अपने फर्ज की फिक्र करनी चाहिए ओरहान साहब, खैरियत से आपको इसे ठीक करना होगा माँ। ओरहान कहता है, ओरहान सिपाहियों से कहता है सिपाहियों चलो। उस्मान ओरहान सवार होकर घोड़ों पर वहां से रवाना हो जाता है। मालहून एलचिम से कहती है तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा ना कर दे। एलचिम खातून कहती है अंधी मैं नहीं हूँ मालहून खातून, ओरहान बे हैं, वो मोहब्बत में अंधा हो चुका है और वो हकीकत को नहीं देख पाता। मालहून खातून कहती हैं कि हकीकत के कई चेहरे होते हैं मेरी किस्म, ओरहान ने अपनी मोहब्बत के बावजूद रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुम्हें कबूल किया। अगर वो अपनी मोहब्बत में अंधा होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करता। अगर उसकी जिम्मेदार होलो फिरा हुई तो ओरहान खुद इसे अपने हाथों से सजा देगा। अलचीम खातून कहती है उस लड़की ने ओरहान बे पर जादू कर दिया है, ओरहान बे इंसाफ पर अपनी मोहब्बत का इंतखाब करेंगे। मालहून कहती है ओरहान से पहले तुम्हें अपने रवैये के बारे में सोचना चाहिए अलचीम खातून, ऐसा लगता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अच्छा सोचने से रोक रहा है। तुम्हें अपना गुस्सा थूकना होगा प्यारी बेटी, मैं मजीद एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसके बाद हमें उस्मान बे को दिखाया जाता है